अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 जनवरी सन 2023 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के रेलवे स्टेशन मरगला रेलवे स्टेशन पर। रेल फैन होने के नाते आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए और तमाम जो रेलवे से सफ़र करते हैं मुसाफिर उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज़ की सबसे प्रीमियम ट्रेन ग्रीन लाइन आज से दोबारा स्टार्ट होने जा रही है। आपको मालूम ही होगा कि जो फ्लड्स आए थे बहुत ही जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया था हमारे मुल्क के निज़ाम को, उनके बाद से ये ट्रेन बंद थी, लेकिन आज 27 जनवरी सन 2023 से ये इंशाल्लाह ताला दोबारा से रिस्टोर हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि ये तमाम की तमाम ऑलमोस्ट नए रेक्स के साथ स्टार्ट हो रही है। ये तमाम रेक्स पाकिस्तान रेलवेज़ ने अभी रिसेंटली इंपोर्ट किए हैं चाइना से और स्टेट ऑफ द आर्ट कोचेज़ हैं ये। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें सफ़र भी करूँगा, आपको दिखाऊँगा भी कौन कौन सी कोचेज़ नई आई हैं ये भी आपको बताऊँगा और क्या क्या इनमें सहूलियात हैं नई वो भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ ही देर में अभी रेक आ जाएगा रावलपिंडी से। बकायदा तकरीब का आगाज़ इधर हो चुका था सुबह, हमारे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इसका बकायदा इफ्तिताह कर दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है वो ज़रा हाई प्रोफाइल इवेंट होता है, उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन अब बकायदा जो असल मुसाफिरों के लिए इफ्तिताह है वो अपने वक्त के मुताबिक ही होगा 3 बजे। तो अभी रेक आने वाला है रावलपिंडी से, उसको रिसीव करते हैं और फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मेरा सफ़र होगा आज मरगला रेलवे स्टेशन से कराची तक और कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी क्लास में बुकिंग कराई है और इसके क्या किराए वगैरह हैं, क्या सहूलियात हैं, तो साथ रहिएगा। बहुत ही पुरसकून रेलवे स्टेशन मरगला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद का और सब्ज़ हिलाली परचम इस पर लहरा रहा है। बहुत ही पीसफुल रेलवे स्टेशन है और बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पे बहुत ही खामोशी होती है, लेकिन जब यहाँ पे ट्रेन आती हैं तो रौनक कुछ देर के लिए बढ़ जाती है। इस वक्त भी ये तमाम लोग या तो ग्रीन लाइन में सफ़र करने के लिए यहाँ मौजूद हैं या फिर आज नई ट्रेन चल रही है तो उसको देखने के लिए आए हैं, कुछ मीडिया के भी नुमाइंदे हैं। ट्रेन आने वाली है, बस उसी का ही इंतज़ार है, क्योंकि सुबह जो इफ्तिताह हुआ है वज़ीर आज़म साहब के सामने, उसके बाद मार्शलिंग होने के लिए वो दोबारा रेक रावलपिंडी गया है और मार्शलिंग होने के बाद अब यहाँ पहुँच रहा है। तो जैसे ही वो पहुँचेगा फिर बकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। फाइनली GU20-4565 लोकोमोटिव LHF मोड में 6 डाउन ग्रीन लाइन का रेक लेकर रावलपिंडी से मरगला रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है और सजी सजाई ट्रेन है, बहुत ही खूबसूरत इसका नज़ारा है। कुछ ही देर में इसको अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। ये सही टाइम है मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस लगाई गई हैं। इसके अंदर 4 किस्म की क्लासेस मौजूद हैं, जिनमें इकॉनमी क्लास, AC पार्लर क्लास, AC स्टैंडर्ड क्लास और AC बिजनेस क्लास। 3 क्लासेस की कोचेज चाइना से रिसेंटली इंपोर्टेड हैं, जिसमें AC स्टैंडर्ड, AC पार्लर और इकॉनमी क्लास हैं, जबकि बिजनेस क्लास की कोचेज जो पाकिस्तान ने लास्ट टाइम चाइना से इंपोर्ट की थी उन्हीं को ज़रा रीमॉडल करके, रंग रोगन करके नए रेक के तौर पे तैयार किया गया है। तो चलें, ट्रेन आके रुक गई है, इट्स टाइम टू बोर्ड द ट्रेन। चलते हैं ट्रेन के अंदर और फिर इसकी फैसिलिटीज़ को देखते हैं। चलें अब जल्दी जल्दी एक नज़र सारी कोचेस के इंटीरियर पे डाल लेते हैं इससे पहले कि रश हो जाए ट्रेन में। सबसे पहले ये मैंने ब्रेक वैन से शुरू किया है। ब्रेक वैन में आधा लगेज का पोर्शन होता है और आधा इकॉनमी क्लास का पोर्शन होता है, तो इसके अंदर चलते हैं। सामान के साथ ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये इसका इंटीरियर है, बड़ा स्लीक लुक है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। पंखे लगे हुए हैं, प्रॉपर सीट्स के नंबर्स मौजूद हैं, इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट्स हैं और USB पोर्ट्स भी मौजूद हैं।
हर बर्थ के साथ हैं। ये एक नई चीज़ है, पहले तो नॉर्मली इसके नीचे एक हुआ करता था, सब लोग उसी को यूज़ करते थे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने हर बर्थ के लिए ये सॉकेट प्रोवाइड किए हैं, तो बहुत ही अच्छा है। एक छोटी सी डस्टबिन भी मौजूद है नीचे टेबल के नीचे, फ़ैन स्विच वगैरह ये सब कुछ। फ़ैन को चला के भी देख लेते हैं, लाइट तो जल रही थी, फ़ैन को ऑन किया लेकिन अभी आई थिंक ये पीछे ब्रेकर से ऑन नहीं है। ये कोई अच्छा, ये स्पेसिफिक जगह इन्होंने हैंडीकैप पर्सन्स के लिए बनाई है, यहाँ पे व्हीलचेयर आ सकती है। वाओ, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, इतना बड़ा खुला वॉशरूम आज तक पाकिस्तान के किसी और कोच में मैंने नहीं देखा, बहुत ही वास्ट है। वरना तो आप वॉशरूम में दाखिल हों और आपको क्रैम्पनेस का एहसास होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। इंग्लिश टॉयलेट है और साथ में वॉश बेसन भी है, शीशा लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा। यहीं से दरमियान में से चलते हैं इकोनॉमी क्लास की दूसरी कोच में। यूसुफ साहब भी इधर मौजूद हैं। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ज़रूर। ये सारी कोचेज कनेक्टेड हैं आपस में। CRRC टेंशन मेड इन चाइना 2022, ये कंपनी जिससे पाकिस्तान रेलवेज ने इंपोर्ट की हैं ये कोचेस। अच्छा, अब हम प्रॉपर इकोनॉमी क्लास कोच में आ गए और इसमें बैतुल खला लिखा हुआ है मौजूद है, और ये इसमें क्योंकि ईस्टर्न टॉयलेट का बना हुआ था निशान बार, तो वही है अंदर, ईस्टर्न टॉयलेट साफ सुथरा। इसके अलावा जो दूसरा वाला है ये वेस्टर्न टाइप का होगा डेफिनेटली, बिल्कुल साफ सुथरा है बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी चीज़ है पकड़ के बैठने के लिए, और अगर कोई हैंडीकैप्ड वगैरह है पर्सन तो उसको भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। टॉयलेट पेपर के लिए भी जगह है, लेकिन फ़िलहाल इसमें टॉयलेट पेपर मौजूद नहीं है। इतनी साफ़ सुथरी ये कोचेज़ हैं, तो हमारी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी सफाई का ख्याल रखें। बाकी जो इकोनॉमी क्लास के अंदर का इंटीरियर है वो बिल्कुल वैसे ही है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ओके, ज़बरदस्त। स्क्रीन पे आपको अभी इकॉनमी क्लास का फेयर भी नज़र आ रहा होगा, तो जो लोग मरगला से कराची या लाहौर से कराची सफ़र करना चाहते हैं वो इस फेयर पे ग्रीन लाइन में सफ़र कर सकते हैं। इस वक्त बिज़नेस क्लास कोच के पास मैं मौजूद हूँ, और बिज़नेस क्लास कोच के इंटीरियर में एक क्विक सी नज़र मार लेते हैं जल्दी से। ये आपको दिखाना चाह रहा था मैं कि ये जो बिज़नेस क्लास कोचेज़ हैं ये हमारी पुरानी CNR कोचेज़ हैं, जिन्हें अभी ज़रा रंगो रोगन करके CRRC टेंशन वाली कोचेज़ के साथ मिलाया गया है, और अभी अभी इसमें पेंट की खुशबू भी आ रही है। तो चलें, चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा क्रैम्प्ड है, आ जाओ। यहाँ पर वाटर डिस्पेंसर भी अभी बिल्कुल पैक्ड रखा है, इसको अभी खोला जाएगा और इंस्टॉल भी किया जाएगा। चलें, ये कैबिन खाली है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। एच कंपार्टमेंट है ये, बेडिंग ऑलरेडी मौजूद है, तकिया चादर और ये कंबल, साथ में LCD TV भी लगा है, और उसके अंदर ARY डिजिटल का ड्रामा भी चल रहा है। ये मज़ीद चादरें कंबल, बहुत अच्छा, बिल्कुल वैसे ही कोच है हमारी जैसे CNR की बिज़नेस क्लास कोच होती थी,
उसको उन्होंने दोबारा से मुगलपुरा वर्कशॉप में नया बना दिया है, बिल्कुल देख के अच्छा लग रहा है। ये साथ में फोल्डिंग सीट्स भी मौजूद हैं जो कि गैलरी में लगी हुई हैं, और जो लोग ट्रैवल करते हैं वो यहाँ पे बैठ के, अगर सब लोग अपने कंपार्टमेंट में सो जाएं तो वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। थैंक यू। तो रंग और रोगन होकर और रीमॉडल होके बिज़नेस क्लास का नक्शा थोड़ा बदल गया है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बिज़नेस क्लास के जो फेयर्स हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे, वो आप देख लें और चलें। अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो आपको इसके टॉयलेट्स का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी नए कमोड्स वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं, नए वॉश बेसन्स, तो अच्छा है, वेरी गुड। इसी तरह से ये वाला जो है ये दूसरा ईस्टर्न स्टाइल का होगा, बिल्कुल। ये देखें सारी अमेनिटीज़ भी इधर मौजूद हैं, साबुन है, लोटा भी रखा हुआ है, टॉयलेट पेपर भी है, गुड। चलें बिज़नेस क्लास का भी हो गया विज़िट, अब चलते हैं मोस्ट अवेटेड पार्लर क्लास की तरफ और उसके बाद एसी स्टैंडर्ड में जाऊंगा। मेरा ट्रैवल आज एसी स्टैंडर्ड में है तो उसकी कवरेज तो थोड़ी देर बाद भी हो सकती है, लेकिन पहले एसी पार्लर को कवर कर लेते हैं। तो जनाब ये आ गई एसी पार्लर की कोच, सीआरआरसी टेंशन मेड इन चाइना 2022 की ये एसी पार्लर कोच है। फर्स्ट टाइम मैं इस वाली कोच में एंटर हो रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसका। अच्छा 3 बज गए हैं, मार्गला से ट्रेन डिपार्ट कर गई है और ज़्यादातर मुसाफिर रावलपिंडी से सवार होते हैं, तो इस वक्त अभी रश नहीं है इतना। बड़ा अच्छा टाइम है कि इस पार्लर क्लास को एक्सप्लोर करूं और इसकी सहूलियात को आप तक पहुंचाऊं। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे हमारे बसेस में या हमारे एरोप्लेन्स में होती हैं, बहुत अच्छी। ये दरमियान में हैंड रेस्ट भी है, खोल भी सकते हैं इसे। इसके अलावा चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है, यूएसबी पोर्ट्स भी हैं और साथ में दूसरी तरह के भी हैं, कॉल बटन भी है, आप अगर इसको दबाएं तो जो अटेंडेंट है वो आ जाएगा, और साथ में ये आपको छोटी सी एक डस्टबिन भी नज़र आ रही है। अच्छा ये वाली सीट्स फोल्ड भी हो जाती हैं, ये मुझे बताया गया, अगर इसको अब कोशिश करें तो ये फोल्ड भी हो जाती हैं इस तरह से। ये आपने देखा कि आप इसका रुख भी तब्दील कर सकते हैं ये वाला लेवर दबा के, ये देखें इसका रुख चेंज हो गया। अगर आप लोग 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ तो आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो बस इसको यूं घुमाएं और आप एक दूसरे को देख के अपना सफ़र गुजार सकते हैं, तो बहुत अच्छी सहूलत है ये। हमारी पहले भी पार्लर क्लास की कोचेज होती थी लेकिन इतनी अच्छी अभी तक और कोई नहीं थी, तो बहुत अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी इसमें अजीब सी लगी मुझे, वो ये सामने पंखे मौजूद हैं, हालांकि एसी कोच में। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मिल ही गए आखिर मिल ही गए। किधर बैठे हुए आप? मैं आज ट्रैवल कर रहा हूं सर एसी स्टैंडर्ड में। सही हो गया। और आप? मैं पार्लर में, यार गरीब लोग हैं हम तो बैठ के जाएंगे। नहीं सर, टिकट आपने महंगी खरीदी है, उसकी एक रीजन है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे, तो बड़ा लंबा सफर है तो बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हैं। हाँ बिल्कुल, टाइम ज़रा थोड़ा था इसलिए जल्दी जल्दी में किया है कवर। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई इधर। तो अभी आप कौन सी कोच है? अभी मैंने सारी कोचेस दिखा दी हैं थोड़ी थोड़ी, अपनी ऐसे स्टैंडर्ड में नहीं गया हूँ अभी तक। हाँ ये बड़े अच्छा है, मुझे इसमें लगा कि इसका रुख भी चेंज हो जाता है। हाँ
तो फहीम भाई मैं आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं, मैं तो अकेला कर रहा था, सही शॉट नहीं आया। अगर आप चार लोग हैं फैमिली में और आमने सामने आप बैठना चाह रहे हैं अपनी आसानी के लिए, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, लीवर आप पुश करें और उसके बाद इसको घुमा लें। इसको आप घुमाएंगे और ये बड़े आराम से यहाँ पे आके लॉक हो जाएगी। तो आप गपशप लगाएं और उसके बाद अगर आप तंग आ जाएं दोबारा गपशप लगा के, तो आप अपना रुख चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मेहरबानी। एसी पार्लर की जितनी भी सीट्स हैं उनके पीछे एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, यानी अगर आप इस सीट पे बैठे हैं तो आप सामने वाली सीट पे जो एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा है, एलसीडी स्क्रीन लगी है, उसमें अपनी चीज़ें सुन सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो मैं वक्त के साथ एक्सप्लोर करूँगा। फिल्म, मुख्तलिफ फिल्म्स हैं, आप वो देख सकते हैं, कोई मूवी लगा लें, सॉन्ग्स लगा लें। इसमें हैंड्स फ्री कनेक्ट करने का भी ऑप्शन होगा, ये सामने आप अपनी हैंड्स फ्री कनेक्ट कर लें और एंटरटेनमेंट से लुत्फ़अंदोज़ हों। एसी पार्लर कोच की और भी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बड़े सामान रखने की जगह, और ये देखकर मुझे हरमैन ट्रेन याद आ गई जो कुछ दिन पहले मैंने सऊदी अरब में एक्सपीरियंस की थी। उसमें भी इसी तरह के रैक्स मौजूद थे, जो आपके बड़े बड़े बैग होते हैं, सूट केसेस होते हैं, वो यहाँ पे रखे जा सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक किचन भी है जो कि जाहिर सी बात है जो कैटरिंग सर्विसेज वाले उनके यूज़ में होगा, अभी फ़िलहाल खाली है ये। इसमें डिश वॉशिंग एरिया है, बर्तन रखने के लिए रैक्स हैं, और साथ में ये सामान रखने के लिए कबर्ड टाइप की चीज़ है। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखें, और ये एक फ्रिज भी मौजूद है हायर का, ज़बरदस्त। अच्छा, अब चलते हैं जनाब पार्लर कार की दूसरी तरफ। थैंक यू दानिश। यहाँ पे भी दोनों तरह के टॉयलेट्स मौजूद हैं, और डिज़ाइन इनका तकरीबन वैसे ही है जैसे दूसरी कोच में, इकोनॉमी क्लास कोच में आपको दिखाया था। ये वेस्टर्न टाइप का टॉयलेट है, और ये दूसरा वाला इसमें मेंशन्ड है, ये ईस्टर्न टाइप का होगा। साफ सुथरा बिल्कुल। अब हमारी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी हमारा ये कौमी वरसा है, कौमी एसेट है, इसको साफ़ सुथरा रखें। फाइनली अब मुझे मौका मिल रहा है एसी स्टैंडर्ड कोच में जाने का, वहाँ चलते हैं, क्योंकि सारी कोचेज आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अब मैं एसी स्टैंडर्ड कोच में आ गया हूँ। वालेकुम सलाम, मैं आपकी वीडियो वायरिंग करता रहता हूँ। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत खुशी हुई आप। जी जी जी, हाँ थैंक यू यार, बहुत आपसे सफ़र में मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। एसी स्टैंडर्ड, वाओ। रेगुलर मैं ट्रैवल करता रहता हूँ पाकिस्तान रेलवेज़ में, लेकिन एसी स्टैंडर्ड की इतनी अच्छी कोचेस मैंने नहीं देखी अभी तक। एक कोच का या कैबिन का आपको विज़िट कराता हूँ। बेडिंग इस पर बिछी हुई है, साफ़ सुथरी वाइट बेडशीट्स, पिलो, और इसके अलावा सीट नंबर्स भी लगे हुए हैं। सेफ्टी हैमर भी मौजूद है, अगर खुदा न खास्ता कोई इशू हो, कोई एक्सीडेंट हो, तो आप इससे शीशा ब्रेक करके यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। इसके अलावा ये लाइट्स भी हैं, स्टडी लाइट्स, हर बर्थ के लिए अपनी। छः लोग आ सकते हैं इस पूरे कैबिन में। ये दरमियान वाली बर्थ वक्त पड़ने पे फोल्ड हो सकती है। अभी बेडिंग इस पे बिछी हुई है, इसलिए मैं इसको अभी बंद नहीं कर रहा। एक जो इधर स्पीकर लगा हुआ है उसमें हल्के फुल्के म्यूज़िक भी चल रहा है, वो भी आपको सुनने में आ सकता है। अच्छा, पैसेज वाली बर्थ भी आपको दिखाता हूँ। ये पैसेज वाली बर्थ है जिसमें दरमियान वाला हिस्सा आप उठा दें तो ये सीट बन जाती है बैठने के लिए, और अगर आप इसको खोल दें, ये मैं दोनों हाथों से पकड़ के खोलता हूँ इसे, ये जनाब खुल गई और ये बर्थ बन गई। इसी तरह ये ऊपर वाली बर्थ है,
ये भी फोल्डेबल होगी, ज़रूरत पड़ने पे फोल्ड हो सकती है। ज़बरदस्त चार्जिंग सॉकेट इसमें भी मौजूद हैं हर बर्थ के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तकरीबन सारी कोचेस का मैंने आपको विज़िट करा दिया, और ये देखें भाग दौड़ में इतनी ठंड का मौसम है लेकिन फिर भी पसीना आ गया मुझे, तो बहुत अच्छी सहूलत है ये। जितने भी मुसाफिर हैं अगर ग्रीन लाइन को चूज़ करेंगे तो उनका सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। कुछ ही देर में रावलपिंडी रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो वहाँ रुकते हैं और लोकोमोटिव को भी देखते हैं जिसे अभी तक देखने का मौका नहीं मिला सही से। फाइनली रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुँच गए, और इधर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश मौजूद है, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी से जितने भी ज़्यादा लोग हैं वो मरगला की बजाय रावलपिंडी से बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि बड़ा स्टेशन है ये। थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है, मैं लोकोमोटिव के पास जाता हूँ और अपनी जो रेल फैनिंग की आप कह लें प्री रिक्विजिट है उसको पूरा कर लेता हूँ। सजे सजाए GU204565 लोकोमोटिव के पास पहुँच गया हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है, ज़बरदस्त फ्रंट लुक भी इसका देख लेते हैं। रावलपिंडी शेड की ये बात है कि अपने लोकोमोटिव्स को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सजाते हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मैं इंतहाई खुश हुआ हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग मिले, और एक बुरहान अली मेरा बहुत यंग सा फैन है। कैसे हो बुरहान? रेलवे में थे ना? अच्छा अच्छा, चाचा भी रेलवे में है। अच्छा, चले बहुत शुक्रिया सर, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। सेम है जी, बहुत शुक्रिया। तो आपको इसको मिले, ये आपका फैन है मोहम्मद सुबान। अच्छा, ये आपकी हर वीडियो देखता है, इसने शौक मुझे दिलवाया है, ट्रेन फैन इसने बनाया मुझे मोहम्मद सुबान ने। अच्छा, फहीम साहब की स्पेशली आपकी और मोहसिन, और अभी माशाल्लाह उम्रा मुबारक हो, अब कर के आए हैं माशाल्लाह से। तो उधर ही उनकी वीडियो उनकी देखी है ना? मैंने आपकी देखी है। अच्छा अच्छा, चले बहुत शुक्रिया सर। तो कराची से भी स्पेशली यहाँ पे अभी अब तो मैं लाहौर से आ रहा हूँ। लाहौर से भी आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, वो कभी आप कोट लखपत होते हैं जी, कभी वो उधर नज़दीक आगे पीछे, तो ये सारी बताता है। पापा आज स्पंकी अंकल की आई है, आज सुफियान अंकल की। बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू, बहुत खुश हुई आप लोगों ने। थैंक यू सर, सर बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत देखा बहुत सुना आपको, आज फर्स्ट टाइम आपसे मिल। सर बहुत शुक्रिया, चैनल मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि इतने ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं मुझसे। इधर भी वीडियो अपलोड करते रहा करें। अच्छा, आज सुबह आपकी और भाई की वीडियो। अच्छा अच्छा, बहुत मजा आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सर थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ये बेटा मेरा आपको बहुत ब्लॉग। अच्छा, छोटे से भी आ जाओ भाई, आ जाओ, इसका भी ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ छोटू, इधर आओ। कैसे हो आप? ठीक हो? हैं हैं, ट्रेन पसंद है आपको? हाँ, वेरी गुड। चले सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इतनी खुशी हो रही है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। स्पेशल हम पिंडी से आपके लिए आए सर, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया मुलाकात करने के लिए। सर आप जी बिल्कुल आ जाएँ सर, आ जाएँ, मुलाकात ये इंशाल्लाह ताला इतवार को। जी जी हाँ बिल्कुल, वो आपका नेक्स्ट स्टेशन के नाम से मैं इंशाल्लाह जल्द आऊँगा टेक्सला, तो टेक्सला मैं आपको उस उधर भेज। तो जनाब ये आपने देखा कितने ज़्यादा रेल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और सिर्फ अपनी ग्रीन लाइन ट्रेन को आज एक झलक देखने के लिए आए हुए हैं। तो ये मैं अपना पैगाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज तक पहुंचाना चाहता हूं कि जनाब रेलवेज के लवर्स कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं।
डिपार्चर विसल हो गया रावलपिंडी से। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिलने से रह गया हूँ, कई लोग तो ट्रैवल भी कर रहे हैं साथ, तो होपफुली ट्रेन में उनसे मुलाकात होगी। फाइनली 3:40 अपने शेड्यूल डिपार्चर टाइम पे रवाना हो गए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ ना। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत ज़्यादा रेल फैंस, रेल व्लॉगर्स और ट्रेन से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद थे, और मैं कहता हूँ असल इनॉग्रेशन ग्रीन लाइन का अब हुआ है। दिस इज़ द रियल इनॉग्रेशन। रावलपिंडी से रवाना हो गए, अब हम देखेंगे कि क्या सहूलियात हैं। अल्लाह हाफिज। तकरीबन 22 घंटे पे मोहित ये सफ़र होगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आ जाओ। जी कराची तक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। सही, बहुत ही ज़बरदस्त इवनिंग, मज़ा आ गया। चकलाला रेलवे स्टेशन पर अभी स्टॉप किया है, और कुछ ही देर का स्टॉप करने के बाद यहाँ से रवाना होंगे। ये अच्छा वक्त है, आपको इसका टाइम टेबल भी बता देता हूँ, 6 डाउन ग्रीन लाइन का और 5 अप ग्रीन लाइन दोनों का। क्योंकि मैं 6 डाउन में ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए इसका मैं आपको ज़बानी भी बता देता हूँ। ये 3:00 मार्गला रेलवे स्टेशन से चलती है, और 3:40 इसका रावलपिंडी का टाइम है। उसके बाद जनाब ये स्टॉप करेगी चकलाला पर, फिर लाहौर, उसके बाद खानेवाल, बावलपुर, फिर रोड़ी, और फिर हैदराबाद, और फिर कराची। कराची में ये ड्रिग रोड पर भी स्टॉप करती है। इस वक्त एसी पार्लर की कोच में मैं मौजूद हूँ, और एक स्लाइटली सा, एक छोटा सा इशू आया था मुसाफिरों को, तो जो रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं उनसे डिस्कस करते हैं ये बात। असल में आपने देखा ही होगा टिकट बुक कराते हुए, जो एसी पार्लर का मैप है वो बुकिंग के वक्त इस तरह से शो होता है, A1, 2, 3, 4, यानी रोज बनी हुई हैं ABCD, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन हुआ है वो 1 से लेके आगे तक नंबरिंग है। मार्कर होता तो अभी चेंज जी, इंशाल्लाह अभी ये हम अपने IT वालों को बता रहे हैं, और नेक्स्ट जो हमारे चार्ट आएंगे वो इंशाल्लाह इसी तरतीब से आएंगे। चूँकि आज पहला दिन है तो हमारी वो ऑलरेडी वो बुकिंग हो चुकी है, तो उसको हम ठीक कर देंगे, कोई मसला नहीं अभी तक, कोई इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इस वक्त मैं अपनी AC स्टैंडर्ड कोच के कैबिन में आके बैठ गया हूँ, और अब बाहर के गुजरते हुए नज़ारों को एंजॉय कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे ख्याल में पोटोहार रीजन से गुजर रहे हैं, और पहाड़ और ब्राउन पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बड़ा अच्छा मंजर लग रहा है। ये चीज़ आपने नोट की होगी कि साउंड बहुत कम है, और ट्रेन इतनी ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर रही जैसे हमारी बाकी CFI कोचेस करती हैं, तो बहुत ही स्मूथ राइड है, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये भी अब आपको बताता चलूँ कि ग्रीन लाइन के जो टिकट है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं, और जो 6 डाउन में सफ़र कर रहे हैं उनको इस्लामाबाद से चलने के बाद एक दोपहर की हाईटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जब लाहौर से आगे ये ट्रेन चलेगी तो रात का डिनर दिया जाएगा, और फिर सुबह के वक्त किसी जगह शायद रोड़ी के बाद नाश्ता मिलेगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री मील्स हैं इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा एक किट भी है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, टूथब्रश वगैरह, पहले भी ग्रीन लाइन में मिलती रही है लेकिन अब कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से वो मिलेगी, तो उसका भी वेट करते हैं।
और ये भी आपको बता दूं कि इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पाकिस्तान रेलवेज़ की हिस्ट्री में कि जो कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है, जबकि एक फाइव स्टार होटल है लाहौर का रॉयल स्विस, उनको इसकी कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और सारी जो ट्रेन में हाउसकीपिंग स्टाफ है, बेडिंग वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, तो होपफुली कुछ जिद्दत देखने को मिलेगी। बेडिंग तो मैंने आपको दिखा दी थी, बड़ी नीट एंड क्लीन थी। खैर आज पहला दिन भी है, आने वाले दिनों में मज़ीद पता चलेगा कि ये किस किस्म की सहूलियात हैं, लेकिन आज पहले दिन तो बेडिंग टॉप नॉच थी। अब खाने का इंतज़ार है, सुना है कि जो हाईटी वाला टाइम है इसमें सूप सर्व किया जाएगा, चिकन कॉर्न सूप, तो उसका वेट कर रहा हूँ मैं क्योंकि हल्की हल्की सी भूख भी लग गई है। तो सफ़र बाहर के नज़ारे देखते हुए सूप का इंतज़ार करते हैं। किसी भी ट्रेन के चलाने में जो ट्रेन का आरटीएल स्टाफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सारे इसके इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, एसी की वर्किंग वगैरह, वो आरटीएल स्टाफ देखता है। तो अभी इस वक्त मेरे साथ आरटीएल स्टाफ के एक मेंबर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो नई टेंशन सीआरआरसी की कोचेज़ हैं उनके पैनल्स वगैरह में उन्होंने कैसा फ़र्क पाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम वकासर रहमान। वकासर रहमान साहब, कौन से डिवीज़न से आप बिलोंग करते हैं? रावलपिंडी डिवीज़न। अच्छा, तो सबसे तो पहले मुबारक हो, आपको नई कोचेज आ गई हैं। खैर मुबारक। इसमें क्या फ़र्क आपने महसूस किया है पिछली सीएनआर या सीएफआई कोचेज के मुकाबले में? सर ये ज़्यादा लेटेस्ट है, इसमें जो है वो इंडिकेशन सारी एलसीडी में दे दी इन्होंने और ये ज़्यादा लेटेस्ट है सर। ये ज़रा सा आप हमें दिखाएंगे पैनल? जी जी, ये का इंडिकेटर इंडिकेशन है सारी, इसमें ये एलसीडी है, तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है, जितनी भी इलेक्ट्रिक का सिस्टम है वो इसमें आते हैं सर। अच्छा, इसमें एसी वगैरह आप कैसे कंट्रोल करते हैं? सर ये ऑटोमेटिक है और ये यहाँ से ऑन करते हैं और बाकी सारा कंट्रोल ऑटोमेटिक। अच्छा, मैंने अभी देखा था जब रावलपिंडी स्टेशन आ रहा था तो एक अनाउंसमेंट हो रही थी, तो वो भी क्या यहीं से? जी वो रिकॉर्डेड है, अगर हम कुछ बोलना चाहें तो ये माइक लगा हुआ है, बाकी जो स्टेशन का जो ये है कि पिंडी आ रहा है या लाहौर या कोई भी, वो सब रिकॉर्डेड है। तो वो कैसे आप लगाते हैं? वो सर ये सही ऑपरेशन है, इसके अंदर है सही, ये खुद ऑटोमेटिक बता देगा। ये दो पार्लर है ना, एक हमने ऑफ किया तो वो वाला चल रहा है, तो उसे आपस में कनेक्ट है ये। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जो नई कोचेज हैं उनमें हर कोच के शुरू में आखिर में इस तरह के इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, और इसमें सबसे पहले तो ये साइन आपको इंडिकेट करता है कि जो दोनों टॉयलेट्स हैं वो वैकेंट हैं या नहीं। इसके अलावा जो ट्रेन की स्पीड है वो भी नज़र आ रही होती है, इस वक्त 76 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, और कोच नंबर 17 मेरा वो भी मैंशनड हुआ हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं अपने जीपीएस स्पीडोमीटर से, लेकिन इसमें यहीं पर आपको एक ही नज़र में स्पीड नज़र आ जाती है, तो अच्छी एडिशन है ये। इस वक्त झेलम शहर को क्रॉस किया है और इस वक्त दरियाए झेलम के ऊपर बने हुए ओल्ड झेलम ब्रिज से हम गुज़रें। सूरज भी ग़ुरूब हो रहा है दूर, बहुत अच्छा मंज़र है, बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है, कम्फर्टेबल। मेरे केबिन में इस वक्त मेरे अलावा दो लोग मज़ीद हैं, यानी हम तीन लोग इस केबिन में सफ़र कर रहे हैं आज, तो बड़ा अच्छा सफ़र, कंफर्टेबल खुले खुले बैठ के अच्छा सफ़र गुजर रहा है। गर्मा गर्म सूप यहीं पे तैयार किया गया है जो हमारे शेफ़ हैं उन्होंने। सर कैसा सूप बनाया है? ये तो तारीफ ही करेंगे, पी के हम बताएंगे कैसा है। चिकन सूप बनाया, चिकन डाले, अंडे डाले, सूप है ये। थैंक यू, लाइक करेंगे। बिल्कुल ताज़ा सूप है, यहीं पे बना है और अभी सर्व किया जाएगा, तो इसको एंजॉय भी करते हैं, पीते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्रीन लाइन में कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी शामिल हैं, तो इस वक्त जो शाम की हाईटी है
वो सर्व की जा रही है। और इस वक्त हाइटी में आई थिंक सूप सर्व किया जा रहा है, सूप सर्व कर रहे हैं जी। जी सर, तो हाइटी में क्या क्या आपका इंक्लूडेड है? सर हाइटी में हमारा सूप है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं और मिनरल वाटर्स हैं डिस्पोजिबल में, और कम्प्लीमेंट्री में हमने बाहर डिस्पेंसर भी लगा दिए कि जो लोग कम्प्लीमेंट्री के अलावा नहीं लेना चाहते वाटर में, तो वो अपना डिस्पेंसर से उनको डिस्पोजेबल ग्लास हमने सर्व कर दिए कि वो खुद भी उठ के पीना चाहें तो पी सकते हैं। सही, तो चलें मैं भी अपनी सीट पे बैठता हूँ, वहीं पे मुझे ये सूप मिलेगा तो उसको मैं ट्राई करता हूँ। फाइनली मगरिब का टाइम है और सूप सर्व कर दिया। ये पेपर कप्स हैं और इसके अंदर सूप सर्व किया है, ये आपको दिखाता भी हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है सूप, और इसको किसी चम्मच से नहीं ऐसे ही पीना पड़ेगा जैसे शरबत पीते हैं। तो इसका रिव्यू मैं आपको देता हूँ। ठीक है, गरम गरम है, अच्छा लग रहा है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, लेकिन कुछ चीज़ों का तनासब ऊपर नीचे, होपफुली कुछ दिनों तक चलेगी ये गाड़ी तो इस पर भी शेफ साहब का हाथ सेट हो जाएगा। सिरका थोड़ा सा ज़्यादा है, खट्टा लग रहा है, लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त इंतहाई भूख लगी हुई थी तो गरम गरम हलक से उतरता हुआ मज़ा दे रहा है। फहीम भाई भी मेरे साथ आए हुए इधर मेरे कैबिन में, तो वो भी यहीं बैठ के सूप पी रहे हैं, उनसे भी रिव्यू ले लेते हैं साथ साथ। कैसे दोस्तों? यार मैं तो बेसिकली फूडी हूँ नहीं, तो हमें तो जहाँ जो चलते हुए मिल जाए हम पी लेते हैं, सभी अच्छा लगता है ट्रेन के सफ़र में। और भाई साहब कह रहे थे कि मुर्गा डाला हुआ है, मुझे मुर्गा कहीं दिख भी नहीं रहा और सूप पीते हुए फील भी नहीं हुआ। तो सब्जियों का ही सूप है ये, और अंडा है इसके अंदर, इसके अलावा खटास ज़्यादा है जैसे आपने बताया। तो बाकी ये है कि अगर कोई 8500 रुपया दे के इस्लामाबाद से कराची जा रहा है उसके लिए ज़रा लेवल इसका हल्का है, इसको ज़रा थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए अप करने की। हाँ जी, और साथ इसके कोई एक दो बिस्किट्स अगर दे दें कुछ खाने के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सूप आप पिलाएंगे रावलपिंडी से निकलते हुए फिर लोग खाना मांगेंगे फौरन, तो खाना आप देंगे लाहौर के बाद तो और मज़ीद बेहतर हो सकता है ये सूप। ये रिव्यू सुना आपने फहीम भाई का, तो अब बाकी का सूप इंजॉय करते हैं और फिर आगे आपसे मिलते हैं। सफ़र चल रहा है और अभी बैठा हुआ हूँ, बाहर अंधेरा हो गया, बाहर के नज़ारे तो देख नहीं सकते, लेकिन मैंने अभी अभी देखा कि जो यहाँ का हाउसकीपिंग स्टाफ है वो हाथ में अखबार लेके जा रहा है और जितने भी पैसेंजर्स हैं उनमें उनको अखबार दे रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। देखते हैं कौन कौन से अखबार हैं इनके पास। भजन आ जाएँ, इधर बैठे मेरे साथ। हाँ जी, कौन कौन से अखबार हैं जनाब आपके पास? जंग की है। सबसे पहले जंग, और खबर देख लें कितनी ख़तरनाक है, ऊपर डॉलर 260 का हो गया है। जंग है, बाकी इंग्लिश में आपके पास है जनाब डॉन अखबार। तो हम तो देसी बंदे हैं, उर्दू अखबार पढ़ते हैं, तो जंग मैं इनसे ले लेता हूँ। तो आप भी ग्रीन लाइन में सफ़र करें तो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूज़पेपर भी है, आपको मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप हाउसकीपिंग स्टाफ से कहें वो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत अच्छी सर्विस है ये। ये भी आप नोट कर लें अगले सफ़र के लिए। सफ़र जारी है और पार्लर कार में कभी कभी एसी स्टैंडर्ड में चक्कर लग रहा है, और ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि हाउसकीपिंग स्टाफ हर थोड़ी देर बाद कोचेस की सफाई करता है, जो डस्टबिन भर जाती हैं उनको एम्प्टी करना, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये। सफ़र मेरा चल रहा है और जाहिर सी बात है आज हम सारे रेल ब्लॉगर्स अलग अलग क्लासेस में ट्रैवल कर रहे हैं। मैं एसी स्टैंडर्ड में हूँ, फहीम भाई एसी पार्लर में है, और बिलाल ने आज इकॉनमी क्लास में बुकिंग कराई थी मार्गला से लेकर लाहौर तक, तो वो इधर मौजूद हैं। मैं इकॉनमी क्लास में आया हूँ चल के, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो GoPro की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या मुबारक सर, आप भी GoPro वाले हो गए। हाँ बिल्कुल, आपकी लिस्ट में आ गए हम भी।
तो कैसा आपका सफ़र जा रहा है ग्रीन लाइन की नई इकॉनमी क्लास कोचेज में? सफ़र देखें तो बहुत अच्छा है, सुकून दे सफ़र है अगर आप करना चाहें, क्योंकि ये सुकून दे सफ़र के लिए है। जिस तरह हम गहमा गहमी करते हैं कि दरवाजे पे पहुंच जाओ, खिड़कियां खोल दो, उस तरह का सफ़र नहीं है। अच्छा, आप आखिरी कोच में बैठे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? आखिरी नहीं है, पहली है। हाँ, मतलब पहली है। हाँ, इसकी वजह ये है कि यार मेरा थोड़ा बजट लो था, मैं कहीं इकॉनमी क्लास, वैसे भी हमारे दोस्त जिस तरह के आप इसी स्टैंडर्ड में और फहीम भाई इसी पार्लर में है, तो मैंने कहा उधर की कवरेज करें तो मैं इकॉनमी क्लास दिखाऊँ कि इधर की क्या सहूलियात है। तो आप बताएं उधर क्या क्या मिला? सर अभी तक तो सूप मिला है, सरके अच्छा, वाला ठीक हो गया। तो इधर अभी हमें इसी को खाली गिलास मिले। अच्छा, हाँ, बाकी देखते हैं कब कुछ आता है कि नहीं आता। चलें होपफुली, पहला दिन है तो उसमें एक्सपेक्टेड होता है कि थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाए, लेकिन होपफुली अगले दिनों में कवर कर सकें। काफ़ी देर से चाय की तलब हो रही थी और फाइनली ये चाय का कप मिला है, और ये ऑन पेमेंट है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन चाय बहुत अच्छी है। और ये आई थिंक जो टी मशीन होती है, मशीन की बनी हुई चाय है, जो मिक्स है। हाँ, मिक्स टी है। इलायची का बहुत अच्छा जायका है। इसको मैं एसी पार्लर में बैठ के फहीम भाई और तनवीर साहब के साथ बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, तो फाइनली थोड़ा सा सुकून मिलेगा। चाय की बहुत तलब हो रही है। थैंक यू सर, ज़बरदस्त। 100 रुपये चाय। 7:57 हो रहे हैं और तकरीबन 2 मिनट पहले हम लाहौर पहुंच चुके थे, यानी अपने शेड्यूल टाइम से तकरीबन 5 मिनट पहले लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ग्रीन लाइन आज अपने पहले रन में। ज़बरदस्त, यहां पर तकरीबन 35 मिनट का स्टे होगा, यहां पे लोकोमोटिव भी चेंज होगा और इसके अलावा जो लाहौर कोटे की कोचेज़ हैं वो भी ऐड होंगी। बहुत गहमा गहमी है इधर, कई मुसाफिर भी मौजूद हैं और कुछ लोग वैसे ही नई ट्रेन देखने के लिए आए हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ, हम भी आए ग्रीन लाइन देखने। अच्छा अच्छा, आप भी ग्रीन लाइन देखने आए हो, चलो। हाउसकीपिंग स्टाफ इधर शीशे की सफाई भी कर रहे हैं। ये बड़ा एक मसला रहता है ट्रैवल के दौरान, शीशे गंदे होते हैं और बाहर के नज़ारे सही नज़र नहीं आते, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारे कुछ दोस्त भी यहाँ से ट्रैवल करेंगे कराची के लिए, जिनमें राशिद भाई फैसलाबाद से आए स्पेशली, तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कहाँ पहले दिन ही ट्रैवल कर रहे हैं आप कराची के लिए? अच्छा, कौन सी क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हैं आज? नहीं, क्लास वो एसी स्टैंड इकॉनमी में। सही, चलें सुबह आपसे पूछूंगा, मैं भी इसी ट्रेन में कराची तक जा रहा हूँ। आपका सफ़र ख़त्म हुआ सर? चले, अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अपना नंबर तो लिखा है। एक बहुत ही बड़ा टीवी लगा दिया इधर लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और उस पर वही जो ग्रीन लाइन का आज इफ्तिताह हुआ है पीएम साहब ने किया, उसकी फुटेज जो है वो चल रही है। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लाहौर कोटे की कोचेज़ अटैच की जा रही हैं। टोटल 10 कोचेज़ हैं ये जो अटैच की जाएंगी। रॉयल स्विस होटल, जिसका मैंने सफ़र के दौरान ज़िक्र भी किया था, उनका खाना आ गया है जनाब। 5-स्टार होटल का खाना पैक होके आया है और यही खाना जो है वो मुसाफिरों को सर्व किया जाएगा। अभी वो ट्रेन में लोड हो रहा है, तो चलें लाहौर से रवाना होंगे तो फिर इंशाल्लाह इस खाने को भी चखेंगे। नाश्ते का सामान भी है, ये ब्रेड, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जनाब, रायता वगैरह। तो आइटम्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, देखते हैं कि कैटरिंग कैसी रहती है। अब रेक जो है वो शंट हो गया है, तो उसको दोबारा से थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं ताकि सब लोग इजीली ट्रेन में बैठ जाएं। थोड़ा सा हैप हैज़र्ड सा हो गया है सिचुएशन, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है।
लोकोमोटिव भी देख लेते हैं जनाब, आज कौन सा लोकोमोटिव है जो लीड करेगा लाहौर से लेकर कराची तक। GU 49004, ये लोकोमोटिव आ गया है जनाब 6 डाउन ग्रीन लाइन को लीड करने के लिए। अंधेरा थोड़ा ज़्यादा है इसलिए शायद इतनी क्लियर इसकी लुक ना आ सके। मिस्टर वकार लाहौर डिवीज़न के सबसे स्मार्ट असिस्टेंट ड्राइवर हैं, ये इस वक्त फ़ोटो शूट कर रहे हैं जनाब सजे हुए लोकोमोटिव के साथ। DS लाहौर साहब हनीफ गुल साहब इधर आ गए हैं और लोकोमोटिव कैब का विज़िट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर को। बहुत अच्छी बात है कि हाई लेवल के ऑफिसर्स आए और जो ट्रेन को क्रू लीड कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, उससे हौसला बढ़ता है रेलवे वर्कर्स का भी। ले जनाब लाहौर से रवाना हो गई है ट्रेन, तो बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके भाई रहमत भाई, अल्लाह हाफिज़। सर ये हमारी कोचेज आ गई हैं, हैं ये आ गई क्योंकि पीछे डोर बंद करना शुरू कर दिए। अच्छा नहीं आ जाए लोग, मतलब पावर वैन से तो पीछे ही है ना। हाँ उम्मीद है, उम्मीद है। हाँ ये कौन सी है, देखो नंबर देखो कोच का क्या है। इधर ही चले जाए, कवर करो। हम अभी पावर वैन से पीछे सवार होने लगे थे, यानी हम फिर अपनी कोचेज में पहुंच नहीं सकते थे, तो जनाब चलें अब चढ़ते हैं अपनी कोचेज में और फिर आगे का सफ़र रखते हैं। ओके भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो व्लॉग में देखेंगे आपको। हाँ देखें देखें, अल्लाह इनको खैर खैरियत से लेके जाए और बहुत शुक्रिया। इनका व्लॉग बहुत अच्छा, आज फ्यान में से फिर एक दफ़ा मुलाकात हो गई है, गाड़ी रुक गई, मज़ा आ रहा है इनके साथ जाते जाते का जो एक्सपीरियंस है वो और मज़ा बढ़ा रहा है इस वीडियो का। तो अल्लाह खैर बरकत डाले। अली रज़ा का नंबर मैंने अपने फ़ोन में सेव किया, अली रज़ा एक्साइटेड। यस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं अपनी मामू की बेटी की शादी छोड़ के ये ग्रीन लैंड के नौकरान देखने आया हूँ। चलो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खैर आफियत से जाएँ। फाइनली लाहौर जंक्शन से रवाना हो गए हैं, 8:40 तकरीबन, अपने शेड्यूल टाइम से 5 मिनट लेट है लेकिन ऑलमोस्ट टाइम पर ही है। अब भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है, इंशाल्लाह यहाँ से निकलते साथ ही जब ये खाना सर्व करेंगे तो खाना खाते हैं और अपने बाकी सफ़र का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ये आप रेल फैंस का जज्बा देख सकते हैं जनाब, इतने ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं ट्रेन से, ज़बरदस्त। और जो दोस्त मरगला से आकर लाहौर पे अपने सफ़र का इख्तिताम कर चुके हैं वो भी मेरा ख्याल यहीं कहीं खड़े हो के ट्रेन की वीडियो बना रहे होंगे। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आपने देखा कितना जज्बा था, मैं कहता हूँ कि रेल फैंस ने आज साबित कर दिया कि उनसे बड़ा जो है वो ट्रेनों का लवर और कोई नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और ये जो 35-40 मिनट थे पता भी नहीं चला, यूं चुटकी बजाते हुए गुजर गए। तो चलें जनाब अभी मैं सवार हूँ बिज़नेस क्लास की कोच में, यहीं से दरमियान से होता हुआ अब अपनी AC स्टैंडर्ड में जाता हूँ और फिर इंतज़ार करते हैं कि खाने में क्या है। अगला स्टॉप होगा इसका खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, तो खाने के बाद फिर आपसे खानेवाल पे मुलाकात होगी। अच्छा एक और चीज़ बताता चलूं कि लाहौर से लेके खानेवाल तक का जो डाउन ट्रैक है मेन लाइन 1 का बहुत ही ज़बरदस्त है, और असल जो इन कोचेस की आप कह लें कि जांच है वो इसी ट्रैक पे हो सकेगी कि कितनी स्मूथ गाड़ी चल रही है और कितनी मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है। तो वो सेक्शन आता है तो उस पर स्पीड चेक भी करते हैं ज़रा सा और देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी स्पीड गेन होती है। तो चलें, फाइनली डिनर सर्व हो गया तकरीबन, इस वक्त क्या टाइम हो रहा है सर,
टाइम अभी देखा नहीं था, 9:17 हो रहे हैं, तो 9:17 पे डिनर सर्व हो गया है। ये एक छोटा सा पैकेज बनाया हुआ है रॉयल स्विस, और डेट लिखी हुई है इसके ऊपर यूज़ बाय, यानी जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले पहले यूज़ कर लें। हॉट सर्व्ड हुआ है, ये गर्म है, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या है। साथ में एक ये रायता भी है, ज़ीरा रायता, तो ये दो चीज़ें दी हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। चलें जनाब, टाइम टू अनबॉक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब खुल गया ट्रे में, और बड़े अच्छा सा लुक नज़र आ रहा है। प्लास्टिक रैप हटाते हैं जनाब। प्लास्टिक रैप भी हटा दिया मैंने। अच्छा जनाब, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या आइटम्स हैं। डिस्पोजेबल ट्रे है ये। सबसे पहले इसके अंदर एक नान है, एक नान, साथ में दाल है, एक अदद गुलाब जामुन, चम्मच, और ये साथ में टिश्यू। ये चिकन कढ़ाई टाइप की कोई चीज़ लग रही है, और ये बिरयानी है। तो ये टोटल मेन्यू है। अभी इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। रायता भी जनाब मैंने खोल लिया है, अब ट्राई करते हैं ये खाना। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है, भूख भी बहुत शदीद लगी हुई है। बस क्वांटिटी थोड़ी सी ये नान की कम लग रही है, छोटा सा नान है और एक ही है। बहरहाल सबसे पहले ट्राई करूँगा दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है टेस्ट में दाल, और नॉर्मली हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो दाल गुजारे के लिए ही खाते हैं, तो बस गुजारा ही है। अब ट्राई करूँगा ये जो चिकन हांडी टाइप की कोई चीज़ है। ये एक लुकमा बनाया मैंने, खुशबू तो अच्छी आ रही है, स्पाइसी भी लग रहा है। इसका टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ज़बरदस्त। अब ये बिरयानी ट्राई करते हैं, थोड़ा सा रायता भी डालते हैं इसमें साथ, और बिरयानी। पुलाव टाइप की बिरयानी है। हम कराची वालों को तो ऐसी थोड़ी स्पाइसी बिरयानी पसंद होती है, लेकिन ये थोड़ी सी कह लें कि उबले हुए चावल ज़्यादा लग रहे हैं। ट्रेन के हिसाब से मुनासिब है खाना, लेकिन मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। बाकी का खाना मैं कैमरा बंद करके इंजॉय करता हूँ, और पूरा ख़त्म कर दूंगा, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो मिलते हैं डिनर के बाद। एक मिनट, खाना भी ख़त्म नहीं हुआ है, एक चीज़ रह गई है, और वो है ये गुलाब जामुन। खाने के बाद मीठा ज़रूरी है, ये भी ट्राई करते हैं। गर्म हो रहा है गुलाब जामुन, क्योंकि इसको शायद माइक्रोवेव में हीट किया गया था। गुलाब जामुन अच्छा है, वेरी गुड। मैंने तो अपना खाना खा लिया है, अब कुछ पैसेंजर से भी रिव्यू ले लेते हैं कि उनका अनबायस्ड रिव्यू क्या है, कि वो लोग क्या कहते हैं जो खाना मिला है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसा खाना प्रोवाइड किया है 6 डाउन ग्रीन लाइन में? देखिए टेस्ट के हवाले से बोला जाए टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, कोरमे का, बिरयानी का भी टेस्ट अच्छा है, और रोटी भी बिल्कुल सही है। लेकिन टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है, कि टाइमिंग जो है वो अगर टाइम पे हमें खाना दे देंगे तो और भी बेहतर हमें जो दैना सर्विस मिल जाएगी। अभी भूख में हम लोग बैठे हुए थे इंतज़ार में, कब खाना आएगा, कब खाना आएगा, आधों को दे दिया, आधे फिर इंतज़ार में बैठे, फिर उसके लिए टाइम अलग से हमने देखा, फिर जाके हमें खाना मिला है।
आपके लिहाज से कितने बजे तक डिनर सर्व कर देना चाहिए ताकि ये सजेशन हम आगे तक पहुंचा सकें? अभी देखें 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे तो ये तो आराम का भी टाइम होता है, कम से कम इसको जो है 8 बजे तक या 8:30 बजे मैक्सिमम 8:30 बजे तक हमें प्रोवाइड कर दे तो वो बेहतर रहेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। एक और मुसाफिर है, वो भी उनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, खाना खा रहे हैं वो, लेकिन रिव्यू लेना ज़रूरी है, उनसे पूछ लेते हैं कि कैसा उन्हें खाना लगा है। जी सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया खाना खाते हुए, तो कैसा सिक्स डाउन ग्रीन लाइन का आपको खाना लगा है? खाना माशाल्लाह से बेहतर है, आप इतना स्टैंडर्ड तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन फिर भी सही है, बेहतर है। एक बच्चे भी वही खाना खा के खड़े हुए इधर और शर्मा के चले गए, उन्होंने नहीं बताया कैसा खाना है। आ जाओ भाई, बताओ कैसा लगा आपको खाना ट्रेन का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहमान है, ट्रेन का बहुत अच्छा, बहुत खाना था, खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। चलें भाई, और भी लोग मौजूद हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं, कैसा लगा जनाब आप लोगों को ग्रीन लाइन का खाना? खाना बहुत अच्छा था, बिरयानी थोड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन सालन और दाल बहुत गुड। बिरयानी के हवाले से तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद कराची वाला हूँ, तो थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए थी। जी जी, और थोड़ा नमक भी थोड़ा सा होना चाहिए था। चले, थैंक यू सो मच। कराची वाले थोड़ा सा स्पाइस जो है वो ज़्यादा लेते हैं, तो इस लिहाज से बस था, लेकिन गुड, एफर्ट्स अच्छी है। और जाहिर सी बात है हर चीज़ अब इनहेंस और ज़्यादा ये लोग करने की कोशिश करेंगे ना, जो चीज़ें नहीं है उसमें एडिशन करेंगे, तो अच्छा है, लेकिन वैसे अच्छा रहा। अच्छा, आप रेकमेंड करेंगी और लोगों को ये ट्रेन में सफ़र करने? डेफिनेटली, डेफिनेटली। एक और रिव्यू आपके लिए, ताकि आप लोगों को सही अंदाज़ा हो कि किस तरह की सर्विस है। जी सर, जिस तरह का खाना इन्होंने दिया है क्वांटिटी वाइज भी सही है, एक नॉर्मल आदमी एक पेट भर के खाना खा सकता है, और क्वालिटी भी अच्छी है, जायका भी बहुत अच्छा है इसमें, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा जो है स्टेप लिया है, और हम मैं जो है सीईओ साहब को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक कराची से ले के इस्लामाबाद तक एक अच्छा रूट बनाया है और अच्छी ट्रेन स्टार्ट की है, और लोगों को एक पाकिस्तान के अंदर एक मोटिवेशन मिलेगी कि ट्रेन का सफ़र और अच्छे तरीके से करें। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। बिजनेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड क्लास और एसी पार्लर क्लास, उसका डिनर तो आपने देख लिया, उन तीनों को एक ही तरह का खाना प्रोवाइड किया गया। अब मैं आपको सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए एक इकॉनमी क्लास का बॉक्स भी दिखा देता हूं कि उसमें क्या क्या शामिल है। इसको अनबॉक्स करते हैं। तो जनाब, ये इकॉनमी क्लास का मेन्यू है, इसके अंदर एक अदद ये गुलाब जामुन ही है, और वही जो हंडी का सालन था जो हमें मिला था वही, इसके अलावा एक नान, एक दाल, सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है बिरयानी की, इसमें बिरयानी नहीं है, बाकी सेम टू सेम वही मेन्यू है जो एसी क्लासेस को मिला था, तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सोचा ये भी एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको बताता चलूँ, जो आपके सफ़र में आपको आपकी क्लास चूज़ करने में फ़ायदा देगी। अच्छा, भरपूर डिनर हो गया, उसके बाद मैं एक दफ़ा फिर एसी पार्लर क्लास में आया हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ी देर गपशप कर रहा हूँ फ़हीम भाई के साथ, थोड़ी देर में मैं सोने चला जाऊँगा। आज मैंने एसी स्टैंडर्ड की बुकिंग इसीलिए कराई थी कि वो एक स्लीपर क्लास है, मतलब आप उसमें सो के जा सकते हैं, और पार्लर क्लास मेरे हिसाब से शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल के लिए ठीक है, लेकिन जो 22-24 घंटे का सफ़र होता है जिसमें आपको सोना भी होता है, उसके लिए मेरे हिसाब से मौजू नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं तो ऐसे 24 घंटे बैठ के नहीं सो सकता, बिल्कुल भी नहीं सो सकता, यही वजह है कि मुझे बस का सफ़र भी इतना ज़्यादा सूट नहीं करता। फ़हीम भाई ने यही चीज़ दिखाने के लिए आज अपनी टिकट पार्लर क्लास में बुक कराई थी। एक और चीज़ भी मुझे पार्लर क्लास में थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, वो ये कि हमें एसी लोअर में और बिज़नेस क्लास को बेडिंग प्रोवाइड की गई है,
लेकिन एसी पार्लर में कुछ भी इस किस्म का नहीं दिया गया, ना पिलो है ना ही कोई ब्लैंकेट है। अगर रात में सर्दी हो जाए तो सर्दी से कैसे महफूज रहा जाएगा, ये भी एक थोड़ा सा इशू है। और इसके अलावा ये जो छत पे लाइटें नज़र आ रही हैं, ये जो लाइटें नज़र आ रही हैं ये भी सुनने में आया है कि डिम नहीं होंगी, तो रात में तो इन तेज़ लाइटों पे आंखों में पड़ रही हैं, सोना नामुमकिन है। फ़हीम भाई मेरे साथ ही हैं, उनसे छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं वापस अपनी एसी स्टैंडर्ड में जाने से पहले। फ़हीम भाई जी, मैं अभी यही सोच रहा था कि आपके साथ ही एसी स्टैंडर्ड में चलता हूँ और चल के वहाँ पे इकट्ठे जो है वो एक आध बर्थ खाली है तो उसके ऊपर लेटते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि मेरी इस कोच के अंदर सफ़र करने की एक ही वजह थी, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे जो है वो अलाउ कर रहा था इस्लामाबाद से लेके कराची तक एसी पार्लर की कोच, तो उसकी सहूलियात जो थी वो हमें दिखानी थी कि एक पैसेंजर जो है वो 24 घंटे तक चेयर कार के ऊपर बैठ के कैसे सफ़र कर सकता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये रीजनल रिकॉर्ड भी है, क्योंकि पूरे रीजन में 8.5 घंटे से लंबी चेयर कार का ट्रैवल नहीं है, जो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। और आपके व्यूअर्स को भी बता देता हूँ कि वंदे भारत चल रही है इंडिया में, या राजधानी चलती है जिसमें चेयर कार्स हैं, या अगर हम पाकिस्तानी उसको कोच है तो एसी पार्लर है, तो वो ट्रेन जो है वो 8.5 घंटे का मैक्सिमम जर्नी करती है और लोग उतर जाते हैं। तो पाकिस्तान रेलवे ने जो है वो पहली दफ़ा 24 घंटे आप कह लें, वैसे शेड्यूल जो इसकी टाइमिंग है वो तकरीबन 22 घंटे, 22.5 घंटे के करीब है, तो 22.5 घंटे का टिकट 8500 रुपये भरने के बाद आप एक कुर्सी के ऊपर बैठ के कैसे सरवाइव करेंगे, वो आज हमें इसको जो है दिखाना था। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो में बताऊँगा जैसे जैसे बीतेगी हमारे ऊपर। तो सुफियान को हम जो है गुड बाय कहेंगे और इंशाल्लाह सुबह मुलाकात करेंगे। फहीम भाई के व्यूज़ आपने सुने और मैं तो जा रहा हूँ भाई सोने। फहीम भाई सीटें खाली हैं, अगर आपको ज़्यादा थकन हो तो आ जाइएगा, आ जाइएगा। बहुत अच्छी बेडिंग प्रोवाइड की गई है और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है उधर। बस सिर्फ एक छोटी सी दिल में वो है कि खाने वाल आ जाए फिर सोऊंगा, तो देखते हैं अभी खाने वाल पहले आता है या नींद पहले आती है। अभी जा रहा हूँ मैं वापस अपने एसी स्टैंडर्ड में। इस वक्त एसी स्टैंडर्ड कोच में आ गया हूँ और लाहौर और खाने वाल के दरमियान किसी जगह हैं, शायद चीचावतनी के आसपास होंगे। अभी 109-110 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से चल रही है ट्रेन। सामने GPS स्पीडोमीटर पे आपको स्पीड शो हो रही होगी और बहुत ही स्मूथ राइड है। मैंने आपको बताया था कि जो लाहौर से खानेवाल तक का सेक्शन है, ख़ास तौर पे डाउन लाइन का, ये बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि ये नया बिछा था जब ये ट्रैक डबल हुआ था। तो अभी आप कह लें मेन लाइन 1 पर ये सबसे बेहतरीन सेक्शन है और यहाँ पर 120 से भी ज़्यादा रफ्तार तक ट्रेन चली जाती है अक्सर, लेकिन अभी 110 जो मैक्सिमम अलाउड स्पीड है उस पर जो ड्राइवर साहब हैं वो ट्रेन को दौड़ा रहे हैं। सामने एक पानी की बोतल भी मैंने डेमोंस्ट्रेशन के लिए रखी है। इसमें पानी का लेवल देखें बिल्कुल स्मूथ है, कोई इतने ज़्यादा इसमें वो जर्क्स नहीं है कि हिल रहा हो पानी। बहुत ही अच्छा रन चल रहा है, ज़बरदस्त। क्या जी? चलें जनाब, रात के 11:30 होने वाले और बिस्तर मैंने अपना सजा लिया है। सामने तकिया, ये ब्लैंकेट प्रोवाइड किया है इन्होंने, बेस्ट विशेस का ब्लैंकेट है और साथ में एक चादर भी है, तो बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सोने का मौसम बना लिया है मैंने। लाइट बंद कर देते हैं, नीचे लाइट का स्विच है, लाइट हो गई बंद और मैं चला सोने। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, नए दिन के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। रोड़ी पहुँच चुके हैं, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और 10 मिनट पहले यहाँ पे पहुँच गए थे, थोड़ा पहले आ गए अपने जो शेड्यूल टाइम है उससे पहले पहुँच गए थे। रात को ऐसा सोया मैं, खाने वाल पे भी नहीं उठ सका और अभी मेरी आँख खुली है जब
रोड़ी पे पहुंचने वाले थे, तो बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छी नींद आई रात में। किसी वक्त वो आए थे स्टाफ वाले और वो भी देखे गए थे जो किट होती है, अभी मैं आपको जाके दिखाऊंगा अभी के उस किट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। बार-बार रोड़ी पे मौजूद हूँ और कुछ दोस्त जो कराची से चले थे फाइव अप ग्रीन लाइन में, वो भी रोड़ी पहुंच गए थे और अब वापस हमारी सिक्स डाउन में ही कराची जाएंगे, तो उनसे भी मिलते हैं। ये मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कराची से आए हैं। अस्सलामुअलैकुम फैसल भाई, कैसा रहा आपका फाइव अप का सफ़र? बेहतरीन सुफियान भाई, बहुत ज़बरदस्त। मतलब जिस चीज़ का इंतज़ार था कि प्रीमियम ट्रेन में हम सफ़र करें, वो हो गया आज पूरा। इसके अलावा ये मोहसिन साहब, मोहसिन भाई, इतनी सर्दी तो नहीं हो रही जितनी आपको लग रही है? यार मुझे लग रही थी। अच्छा, जब ट्रेन पहुंची ना रोड़ी, उसके बाद से माशाल्लाह लग रही। राशिद भाई फैसलाबाद से स्पेशली, पता नहीं अब मुझे याद नहीं पड़ रहा रात को मैंने इनके साथ मुलाकात की कैमरे में या नहीं, चले अभी दोबारा। जी हाँ सर। फहीम भाई कैसी नींद आई एसी पार्लर में? बेहतरीन यार। अच्छा, कैसे सोए आप? मैं बस वीडियो मेरी देखनी है आपने। अच्छा चले, इंतजार चलेगा। तो जनाब ये अभी रोड़ी पे हमारी एक छोटी सी गैदरिंग हुई है, अभी वाटरिंग वगैरह हो रही है, ऊपर पानी भरा जा रहा है ट्रेन में, कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगे। रोड़ी से रवाना हो गए थे, अब वापस अपनी एसी स्टैंडर्ड कोच में आ गया हूँ मैं, और रात में ये किट देके गए थे यहाँ का स्टाफ, तो ये चेक करते हैं कैसा है। मुझे पिछली ग्रीन लाइन का जब ये पहले पहले चली थी तो वो किट याद आ रही है, वो वाइट और ग्रीन कलर की हुआ करती थी, लेकिन इसमें इन्होंने इसको थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया है, लिखा ऊपर पाकिस्तान रेलवे, लेकिन हाँ ये होटल का भी नाम लिखा है रॉयल स्विस, और उनका यूनिकॉर्न जो प्रोजेक्ट है उनका नाम भी है। चलें अब किट की अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले ये डेंटल किट निकली है, डेंटल किट, इसके अंदर है जनाब एक अदद टूथब्रश, टूथपेस्ट। वैसे जो नलकों में पानी आता है उससे आप बिल्कुल भी ब्रश करने की कोशिश ना करें, और अपने पानी से करें क्योंकि वो पीने के काबिल नहीं होता है वो पानी। ये है जनाब शेविंग किट, थोड़ी सी शेविंग क्रीम है, रेज़र है, और ये जब ग्रीन लाइन नई नई चली थी मैं पहले भी पॉइंट आउट कर चुका था कि ये मतलब जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, सबको एक ही किट मिलती है, तो जो हमारी ख्वातीन हैं उन्हें भी ये शेविंग किट दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये कॉम्ब है, कॉम्ब यानी कि कंगा, कंगा ये आ गया कंगा। खैर मेरे तो बाल अभी बहुत छोटे छोटे कंगा कैसे करूँगा। अब देखते हैं अगली क्या चीज़ है इसमें। शू मिट, जूता साफ़ करने के लिए, और आखिरी चीज़ जो इसमें से निकली है वो सैनिटरी बैग है। तो जनाब ये थी किट, अब वेट है नाश्ते का। मुझे अभी जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है उसने बताया कि वो लोग अभी किचन में उसको तैयार कर रहे हैं, ताज़ा फ्रेश नाश्ता, तो वो आता है तो उसको भी ट्राई करते हैं। फाइनली नाश्ता सर्व होने लगा है, और प्री पैक्ड नाश्ता है लेकिन बना यहीं पर है। सही, चलें बाकी अभी इसका रिव्यू करते हैं कि कैसा है टेस्ट में आया, कि हॉट सर्व हुआ है या नहीं। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। चलें जी, नाश्ता सर्व हो चुका है, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं क्या क्या इन्होंने दिया है। सबसे पहले तो ब्रेड है और पैक्ड है, यानी दो स्लाइसेस पैक हुए में, और इनको मेरा ख्याल ओवन में नहीं किया है यूज़, ठंडे हैं।
और ऑमलेट है, साथ में बटर, जैम और स्लाइस जूस। ये आज जितने भी ट्रेन में मैंने सफ़र किए हैं उसमें फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि जो नाश्ते में चाय की बजाय जूस सर्व किया है। तो हम तो देसी लोग हैं, चाय के बगैर तो हमारा नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। बहरहाल आज देखते हैं कि जूस कैसा मज़ा देता है नाश्ते में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट वाइज कैसा है। बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। सबसे पहले ये मैंने बटर को खोला है, एक स्लाइस पे ये बटर लगा के नाश्ते के लिए इसको रेडी करते हैं। वैसे ब्रेड बहुत फ्रेश है, अगर इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर देते तो मैं कहता हूँ कि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता, या इसको थोड़ा सा किसी तवे पे या किसी फ्राइंग पैन पे हल्का सा फ्राई कर देते। लेकिन जाहिर सी बात है इतनी लंबी ट्रेन है उसमें पॉसिबल नहीं होता कि आप सारे ब्रेड को वो कर सकें, वरना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बहरहाल इसका एक सैंडविच सा बना लेते हैं आधे ऑमलेट के साथ और ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑमलेट क्योंकि इधर ही पेंट्री कार में तैयार हुआ है तो फ्रेश है, लेकिन आजकल सर्दियों का मौसम है उसकी वजह से यहाँ लाते लाते तक ठंडा हो चुका है, फिर भी टेस्ट वाइज ओके है, गुड। वेरी गुड। चाय की जगह जूस ये भी ट्राई कर लेते। तो जनाब ये आज का नाश्ता, बाकी का नाश्ता एंजॉय करता हूँ कैमरा बंद करके, तो आपसे फिर बाद में मिलते हैं। 11:45 हो रहे हैं और हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। अपने वक्त से 5 मिनट पहले पहुंच गई है ट्रेन, क्योंकि इधर का टाइम है 11:50 का, तो अब टाइमिंग तो इसने मेंटेन की भी है। अभी आप देखें पीछे वाटरिंग भी हो रही है ट्रेन में, क्योंकि एसी स्टैंडर्ड की जो वॉशरूम्स हैं उनमें पानी ख़त्म हो गया था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो लोगों के एक्सपीरियंस को, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसको मुतासर करती हैं। अगर पहले से ही इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो मुसाफिरों को ये मुश्किलात ना पेश आएँ। एक इस छोटे सी इशू की वजह से लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो बुरे में तब्दील हो जाता है। जैसे हर शहर में रेल फैंस आ रहे हैं, इसी तरह हैदराबाद से भी ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे रेल लवर्स और रेल फैंस इधर आए हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सबको। कैसा लग रहा है भाई आज 6 डाउन हैदराबाद आई है? तो 5 अप की तो आप लोगों ने कल रिसीव की, अच्छा रात हो जाती है। चलें, वैसे ट्रेन उस तरफ से सजी हुई है, कुछ आगे कुछ इधर है, तो चलें बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। हैदराबाद से रवाना होने लगी है ट्रेन अपने मुकर्रा वक्त पर, और वाटरिंग वगैरह हो चुकी है ट्रेन में, पानी भर चुका है, थोड़ा ही सफ़र रह गया। अब चलते हैं अपनी कोच में बैठते हैं और बाकी का सफ़र एंजॉय करते हैं। किसी भी सफ़र में पैसेंजर फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो आज काफ़ी सारे लोग मेरे साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों से उनकी राय लेते हैं कि उनका सफ़र कैसा गुजरा है। तो मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, पहले उनसे पूछते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा आपका फ़ाइनल एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। टिकटिंग के हवाले से बताएं कि कितनी आसानी से आपको टिकट्स मिल गए? इसके टिकट्स तो इसके अवेलेबल थे और हमें बहुत आसानी से मिल गए, और हमने इसे जो है ऑनलाइन परचेज़ किया और बहुत आसानी से मिले टिकट लेने में हमें कोई
दुश्वारी का सामना नहीं। अच्छा, कोचेस के मेयार के बारे में बताएं कि कोचेस की बिल्ड क्वालिटी कैसी थी और इसकी कंफर्ट वगैरह कैसी थी? ओवरऑल गुड थी, अच्छी थी, और भी इसमें जो ना इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि सेटिंग वगैरह में तो कर दी है उन्होंने, इम्प्रूवमेंट कर दी है, अच्छा है। थोड़ा सा इसकी जो है ना इंटीरियर भी अच्छा किया है, और उसमें लाइटिंग वाइटिंग ये वो सिस्टम, और चलने में भी थोड़ी कंफर्टेबल लग रही है। जैसे और दूसरी हम लास्ट जो हमने सेल किया उसमें वाइब्रेशन वगैरह थी, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था बीच में सफ़र के दौरान, लेकिन इसमें हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी एक चीज़ है। अच्छा सर, ये फूड के हवाले से बताएं कि जो फूड प्रोवाइड किया गया आपको इसमें वो कैसा था? फूड ओवरऑल गुड था, अच्छा था फूड, और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी थी, एक पर्सन के लिहाज से क्वांटिटी अच्छी थी उसकी। लेकिन उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ये ज़रूरत है कि वो हमें जो प्रोवाइड किया गया गर्म दें। जब हमें खाना सर्व किया गया तो उस टाइम खाना ठंडा था, जिसकी वजह से हमसे खाना खाया नहीं गया। कुछ और पैसेंजर से भी रिव्यूज़ ले लेते हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका सफ़र कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सफ़र के बारे में पूछ रहे हैं, तो सफ़र अच्छा गुजरा हमारा, बस थोड़े कहीं पे बहुत अच्छा था और कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम भी आई हैं। लाइक खाना वगैरह अच्छा दिया उन्होंने, और चाय की कमी थी जैसा कि होनी चाहिए थी। इसके अलावा जो है कम्फर्ट जोन के लिहाज से, हाँ, कंपार्टमेंट वगैरह सब अच्छे रहे हमारे। हर चीज़ प्रोवाइड इन्होंने करने की कोशिश पूरी की, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो इन्होंने कोशिश पूरी की, और मेरे ख्याल में जो चीज़ें रह गई हैं तो इंशाल्लाह ताला ये उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, हम 20 मेंबर्स थे तो हमें ब्लैंकेट रात में नहीं मिले, तो मे बी कि जो चीज़ वर्कआउट ये लोग नहीं कर सकें, या ये हुआ कि जैसे कहीं पे पानी नहीं अवेलेबल था, पानी बंद हो गया हमारा रोड़ी के पास से, या पानी का प्रॉब्लम आया हम लोगों को, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो थोड़ा सा इसके यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया है। जहाँ प्रॉब्लम फेस की है वहाँ ये कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी थी, कि इन्होंने खाना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सब चीज़ें नीड बहुत थी। सबसे बड़ी बात ये है कि नीडनेस बहुत थी, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि नीडनेस हमेशा रहे, और उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों के ऊपर, हमारी पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि जो चीज़ें सफाई हैं वो सफाई वैसे हम लोग ख़ुद भी रखें ना। तो ठीक है, ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी रहीं, और जो चीज़ें नहीं हैं मेरे ख्याल ये लोग ख़ुद भी कोशिश करेंगे हमारे रिव्यूज़ के बाद ये उन पर जो है ना वो अमल करें ये, और वो चीज़ें प्रोवाइड हमें करें, और जो चीज़ें अच्छी थी तो दैट्स गुड के सब चीज़ें मज़ा। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 में से कितने नंबर आप देंगी इस पूरे सफ़र में? आई थिंक 7 तो थे, और मेरे ख्याल में वो 9 तक भी, वो 10 तक चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर ये चीज़ें जो नहीं हुई हैं उनको कवर अप कर ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट डे के लिहाज से बेटर था। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और ट्रेन के सफ़र को बच्चे ही सही इंजॉय करते हैं। मैं भी जब छोटा था तो ट्रेन के सफ़र को इंजॉय करता था। एक बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इससे पूछते हैं कि कैसा सफ़र गुजरा। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान, कैसा आपका ट्रेन का सफ़र गुजरा? मेरा ट्रेन का सफर बहुत अच्छा गुजरा। सर्दी तो नहीं लगी आपको? नहीं। तो क्या खाने में क्या चीज़ पसंद आई? मुझे खाने में कढ़ाई और रोटी पसंद आई। कढ़ाई और रोटी पसंद आई, चलो वेरी गुड। कितनी देर में अभी आप कराची पहुँचोगे? आई थिंक 1 आवर। चलें जी, बच्चे का रिव्यू भी आपने सुन लिया, इसे खाना बहुत पसंद आया और सफ़र को भी इंजॉय किया। ख़ास तौर पे जब एक पूरी बड़ी फैमिली हो, उसमें कज़न्स वगैरह सब साथ हों, तो वो सफ़र यादगार रहता है। तो बिल्कुल दोपहर के 2:15 हो रहे हैं, और ड्रिक कॉलोनी जंक्शन से अभी गुजरने वाली है ट्रेन, और थोड़ी ही दूर ड्रिक रोड जंक्शन है, वहाँ पे मेरे सफ़र का इख्तिताम होगा। मैं इस वक्त एसी पार्लर कोच में आ गया था, क्योंकि एसी स्टैंडर्ड जिसमें मैं सफ़र कर रहा था वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, और उसके दोनों दरवाज़ों पर लोगों ने अपना सामान रख दिया है।
तो इस वजह से मैं यहाँ पे अपना सामान लेकर आ गया था कि यहाँ से इजीली एग्ज़िट कर जाऊँ। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। नीचे उतरने के बाद मैं आपको अपने फ़ाइनल रिव्यू के बारे में बताऊँगा कि मैंने इस सफ़र को कैसा पाया। यार ये तो सारी एसी कोचेस पीछे आ गई यार, ये क्या फायदा, इतना महंगा टिकट चलेगा। ये पकड़ना है यार, थैंक यू। फाइनली ड्रेक रोड जंक्शन पहुंच गया हूं मैं और उतर भी गया हूं। यहां पे मेरे सफ़र का इख्तिताम होगा क्योंकि यहां से मेरा घर करीब पड़ता है, जबकि मेरे जो बाकी साथी हैं फ़हीम भाई वगैरह वो आगे सफ़र करते के कैंट स्टेशन तक जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि ग्रीन लाइन का रेक काफ़ी लंबा है माशाल्लाह। तो पीछे देखें तकरीबन 4 कोचेज़ हैं जो प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई हैं, तो लोगों को उतरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब ये रेक कॉम्पोजिशन करते हुए पाकिस्तान रेलवेज़ को ये सोचना चाहिए इन चीज़ों पे, या तो प्लेटफॉर्म्स को एक्सटेंड करें या फिर कोई और तरीका निकालें, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल होती है लोगों को। ड्रिग रोड जंक्शन पर कुछ देर का स्टॉप करने के बाद अब ग्रीन लाइन अपनी आखिरी मंजिल कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो रही है। ओके फहीम भाई, फहीम भाई का सफ़र कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक होगा आज। अल्लाह हाफिज। एक दो कोचेस के बाद ये रेक ख़त्म हो जाएगा ग्रीन लाइन का। ट्रेन रवाना होने के बाद आराम से सुकून से आपको अपना आखिरी रिव्यू पेश करता हूँ। इस पूरे सफ़र में आपने देखा कि हर शहर पे रेल फैंस मौजूद थे, इसी तरह कराची पे ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर भी रेल फैंस आए हुए और नन्हे रेल फैंस हैं, तो इनसे मिलते हैं। जी अपना अपना इंट्रोडक्शन कराएँ। तो आप लोगों को भी ट्रेन पसंद है जी। अच्छा तो आज कौन सी ट्रेन पे मैं आया हूँ, किस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ? ग्रीन लाइन। तो ये आपने देखा कि कितना ज़्यादा इंथुजियाज़म है रेलवेज़ को लेके, और मैं कहता हूँ कि अगर हमारी रेलवेज़ में इम्प्रूवमेंट आए तो ये तादाद रेल फैंस की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, थैंक यू। थैंक यू। फाइनली मेरे सफ़र का इख्तिताम हुआ और सब लोगों से मिलते मिलाते ट्रेन का सफ़र करते हुए यहाँ पहुँच गया। अब फाइनल रिव्यू आपको देता हूँ। सबसे पहले कोचेस के बारे में, कोचेस बहुत अच्छी हैं एसी स्टैंडर्ड, ख़ास तौर पे जिस पे मैंने सफ़र किया, क्योंकि एसी स्टैंडर्ड बहुत अरसे से पाकिस्तान रेलवेज़ के पास नहीं आई थी, बहुत पुरानी कोचेस यूज़ हो रही थी एसी स्टैंडर्ड की। अब जैसे बिज़नेस क्लास वगैरह तो 2014 में आई थी, लेकिन एसी स्टैंडर्ड नहीं आई थी। तो एसी स्टैंडर्ड में सफ़र करने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, ग्रीन लाइन में इसका अभी इजाफ़ा हुआ है, तो लोग इसको चूज़ करें। इसका किराया भी बहुत मुनासिब है और अगर बिज़नेस क्लास से कंपेयर करें तो बहुत ही अफोर्डेबल किराया है। बेडिंग वगैरह टॉप नॉच, मुझे तो पसंद आई। कुछ लोगों ने शिकायत की कि उन्हें ब्लैंकेट्स नहीं मिले, तो होपफुली कुछ दिनों में जो कैटरिंग स्टाफ़ या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको ओवरकम कर लेंगे। फूड की बात करें, फ़ूड बहुत अच्छा था, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। सिर्फ एक चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वो है कि इसको हॉट प्रोवाइड करें, गर्म प्रोवाइड करें। गरम गरम खाना मिलेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंप्लेन करेगा।
इसके अलावा साथ में चाय ज़रूरी है, सुबह के नाश्ते में ख़ास तौर पे चाय दें, और जो हाई टी है उसमें सूप की जगह सैंडविच होना चाहिए, सैंडविच और चाय। तो ये मेरी सजेशन है फूड के हवाले से। अब बाकी बात करते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग बिल्कुल मेंटेन की है, पूरे पूरे एग्जैक्ट टाइम पे कराची पहुंच गई है ट्रेन, और होपफुली आने वाले दिनों में भी इस टाइमिंग को मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि प्रीमियम ट्रेन है तो टाइमिंग भी प्रीमियम ही होनी चाहिए। कुछ चीज़ें अगर मैं भूल रहा हूँ तो वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी मेरी वीडियो से। आप लोग अगर पूरी वीडियो देखें आपको वो चीज़ें सुनने को देखने को मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपने इस पूरे सफ़र को पसंद किया होगा, साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।